वियना में अब साइबर ठगों की भांति में खुलेआम झांसा देकर भोले भाले लोगों को ठगने की वारदातें भी होने लगी हैं। आज अज्ञात ठगों ने ग्रामीण को अपनी बातों में फंसाकर उसकी सोने की अंगूठी उतरवा ली, जिसे लेकर बाइक सवार रफू चक्कर हो गए। ग्रामीण को इस अनोखी ठगी का एहसास होने पर उसने भागदौड़ भी की, लेकिन तब तक अज्ञात ठगों का कोई पता नहीं चल पाया। हालांकि दो बाइकों पर सवार होकर आए इन तीन ठगों की एक करतूत बस स्टैंड मार्केट के लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है, जिन्हें पुलिस खंगालने में लगी है। गांव सालाबाद निवासी पीड़ित ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने बताया कि वह आज अपनी पत्नी के साथ एक रिश्तेदारी में शादी विवाह समारोह में शामिल होने बस से बयाना आया था। बयाना में उसी शादी समारोह में जाना था। इसी दौरान बस स्टैंड के पास उसे एक अज्ञात बाइक सवार मिला, जिसने उसने किसी के नाम पता पूछने के बहाने अपने बातों में फंसा लिया। इसके बाद दो अन्य ठग भी बाइक पर वहाँ आ गए और तीनों जनों ने लॉटरी के बहाने अपनी बातों में फंसा कर उसकी सोने की अंगूठी उतरवा ली और रफू चक्कर हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव से अपने से बयाना स्टैंड पे आए, सब बस में जो उतर के हम पानी पी रहे, जब तक अज्ञात दो मोटरसाइकिल वाले आए सर, बिन्ने लॉटरी का झांसा देखे रहे, मैं उजा लिया सर और मेरी सोने की अंगूठी लेके नहीं निकल गए सर, मतलब मेरी 30,000 रुपये की अंगूठी सर सोने की, और मुझे लॉटरी का झांसा देकर मैंने उलझा लिया और उसे लेके नहीं एक मोटरसाइकिल के दे के रफू चक्कर एक है सब दो मोटरसाइकिल है सब।